हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा, वो भी बगैर कद्दूकस किए और वेरी इजी मेथड से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने गाजर को साफ करके ऊपर से इसके छिलके उतार के रखे हैं और अभी हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तरह से हम सारी गाजर के ऐसे पीसेस कर लेंगे। यहाँ पे हमारे सारे ही गाजर काट के छोटे छोटे पीसेस में रेडी है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है गरम करने, उसमें मैं 2 चम्मच घी डालूंगी, देसी घी है ये। इसमें डाल देंगे हमारे ये कैरेट्स। इसे चला लेंगे इसे। अब हमें इसे 5 से 7 मिनट ढक्कन लगा के ऐसे ही पकने देना है। गैस की आंच हमें मीडियम स्लो रखनी है। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है इसे। से 3 बार हम ये करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मलाई। आप क्रीम भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने घर की मलाई ली है, करीबन आधा कप जितनी है, ये मैं ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने 1 कप जितना दूध लिया है, वो भी ऐड कर दूंगी। अच्छे से चला लेंगे। अब हमें इसे हाई फ्लेम पे ढक्कन लगा के 10 मिनट तक पकने देना है ताकि गाजर अच्छे से पक जाए। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। देखिए, मलाई और दूध का मावे जैसा टेक्सचर आ गया है और कितना सुंदर लग रहा है। इसमें मावा डालने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। दस से 12 मिनट हो गई है। देखिए, हमारा दूध का सारा ही मॉइस्चर उड़ गया है और वो मावे में परिवर्तित हो गया है। देखिए, पूरा ही मावा मावा दिख रहा है और गाजर भी हमारी बिल्कुल ही गल गई है। तो अब हम इसे एक पाव भाजी मैशर की सहायता से मैश कर लेंगे। गल गई है, सॉफ्ट सी हो गई है। तो यहाँ पे हमारी गाजर भी मैश करके हो गई है। बहुत ही बढ़िया सी हमारी गाजर मैश हो गई है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे केसर वाला दूध। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जितना दूध लिया है, उसमें 15 धागे केसर के डाल के रखे थे, वो ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, किशमिश, काजू और बादाम। आप ड्राई फ्रूट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा ले सकते हैं। अच्छे से चला लेंगे इसे। आज हम गाजर के हलवे को बिल्कुल ही हेल्दी वर्जन में बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आज हम इसमें
शुगर नहीं यूज करने वाले हैं, गुड़ यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने 3/4 कप गुड़ लिया है, गुड़ का पाउडर लिया है, आप नॉर्मल गुड़ भी ले सकते हैं, वो ऐड कर देंगे। मीठा भी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही फटाफट ये अभी रेडी हो जाएगा। गुड़ और शक्कर में थोड़ा सा टेक्सचर में फर्क आता है, कलर में फर्क आता है, बट ये बहुत ही हेल्दी है गुड़ सर्दियों में खाना। तो हो सकता है उतना सर्दियों में शक्कर को अवॉइड करके गुड़ को शामिल करें। बस 5 से 7 मिनट इसे हमें कंटिन्यूस चलाना है और हमारा ये गाजर का हलवा रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल ही रेडी है, देखिए। और बस अब हम लास्ट में इसके ऊपर गाजर के हलवे की जान घी डाल के सीधा ही इसके ऊपर हम ढक्कन लगा के गैस का स्विच ऑफ कर देंगे और 10 से 15 मिनट के बाद इसे ओपन करेंगे। 10 मिनट हो गई है और अब हम इसे देखेंगे। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, मेरे मुंह में तो बहुत ही पानी आ रहा है। और आप ये हेल्दी वर्जन गाजर का हलवा एक बार जरूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स देखिए, फुल ऑफ ड्राई फ्रूट। सर्दियों में अगर गाजर का हलवा ना खाया तो फिर क्या खाया। अब हम सर्व करते हैं इसको एक अच्छी सी प्लेट में। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ हेल्दी सा गाजर का हलवा रेडी है। इन सर्दियों में ये गुड़ वाला गाजर का हलवा जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर से बताइएगा कि आपको ये मेरी हेल्दी सी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक न्यू और इजी रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय।